हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफडी लाइफ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पलवल आलू की सब्जी। तो पलवल आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पलवल लिया है, जो मैंने इसे बीज से काट के मैंने यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इसमें चीरा लगा दिया है। तो ये मैंने 250 ग्राम पलवल लिया है, इसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं और 1 अनियन चॉप किया है, 2 ग्रीन चिली ली है और ये हरा धनिया लिया है। और मैंने यहाँ पे ड्राई मसाले के लिए मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ी चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हल्दी। फिर मैंने यहाँ पे होल जीरा लिया है 1 चम्मच, 2 तेज पत्ते और 1 ड्राई रेड चिली। ये मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को ग्रेट कर लिया है चॉपर में, तो ये 2 टमाटर है और ये 1 अनियन है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और मैं ये बहुत ही सिंपल वे से बना रही हूँ। तो चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है, तो इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे अभी थोड़ी सी ही ऑयल ऐड करनी है। ऑयल ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ये जो पलवल है वो ऐड करेंगे। इसे हमें पलवल आलू को फ्राई कर लेना है पहले। सब्जी को ऑयल में फ्राई कर लेने से जो सब्जी का टेस्ट है वो काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम आलू को भी ऐड करेंगे और थोड़ी सी 5 मिनट तक इसे फ्राई करना है हमें। हम इसे ऐसे फ्राई करेंगे और 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे मेरा 5 मिनट हो चुका है और मेरे ये पलवल आलू दोनों ही फ्राई हो चुकी है। मैंने यहाँ पे हल्दी और नमक कुछ ऐड नहीं किया है, बस ऑयल में इसे फ्राई किया है। अब हम इसे यहाँ पे प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्राई करके निकाल लिया है। तो आप ऐसे फ्राई करके सब्जी बनाए काफी टेस्टी बनेगा, चाहे वो आलू गोभी भी बनाए तो आप इसे फ्राई करके बनाए। फ्राई करने से जो है वो हलवाई जैसा टेस्ट आता है। तो मैंने इसे फ्राई कर लिया है। तो अब हम इस पैन में कढ़ाई में थोड़ी सी और तेल ऐड करेंगे, बस थोड़ी सी ऐड करना है। तेल ऐड करने के हम यहाँ पे जो जीरा और रेड चिली है वो ऐड करेंगे। तो पहले हम जीरा ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने जीरा ऐड कर दिया तेल पे। जीरा के जैसे ही हल्का कलर चेंज हो जाता है तो फिर हम इसमें तेज पत्ता और ड्राई चिली जो है वो भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ जीरा का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो हम यहाँ पे 1 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे चॉप किए हुए जो अनियन है वो ऐड कर देंगे। इसे हमें हल्का पिंक होने तक फ्राई करना है, इसे हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस पिंक होने तक ही फ्राई करना है। इसे हम 3 मिनट, तो ये मैंने प्याज को 3 मिनट तक फ्राई कर दिया है और ये पिंक कलर का हो गया है प्याज। तो अब हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। तो ये मैंने आधी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो ऐड कर दी है। इसे साथ में ही पकाएंगे। जिंजर गार्लिक को हमें बस कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है, तो उसका कच्चापन है वो निकल जाए।
अब जो मैंने यहाँ पे टमाटर को चॉप किया था वो ऐड कर देते हैं। तो हमें इसे साथ में 2-3 मिनट के लिए भूनना है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए भूनने देंगे। तो अब ये 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे मसाले ऐड करूंगी। ये मसाले भी मैंने आपको पहले दिखाए थे, धनिया, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, इसे मैं ऐड कर दूंगी। मैंने ऐड करके इसे और 1 मिनट के लिए पकाना है। इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी, जिसे मैंने टमाटर चॉप किए थे उसे मैंने पानी ऐड किया। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। अभी हमें मसाले के साथ इसे अच्छे से पकाना है। तो ये मेरा मसाला काफी अच्छे से भून चुका है, इससे जो ऑयल है वो रिलीज हो गया है। तो इसका मतलब है कि मेरे मसाले पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें ये ऐड करूंगी, इसे मैंने पहले से ही फ्राई कर लिया था, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें इसे मिक्स करते हुए पकाना है। आप अगर इस मेथड को फॉलो करते हुए ये परवल की सब्जी बनाएंगे तो ये काफी स्वादिष्ट बनती है और खाने में भी काफी टेस्टी बनती है। तो हम इसे 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, ऊपर गार्निश के लिए भी ऐड करना है। और जो ग्रीन चिली ऐड करेंगे, फिर हमने बीस ऐसे क्लिक कर दिया। तो इसमें ऐसे 5 मिनट तक हमें इसे कुक करना है। पानी ऐड करके हम इसे ढक देंगे ताकि जो पलवर और आलू है हमारा थोड़ा गल जाए। बस अब ये बन चुका है, अब हम इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो हम इसे ढक देते हैं और 5 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसे ढक दिया, 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं मेरा काफ़ी अच्छा कलर आया है सब्जी में। तो हम इसे 5 मिनट के लिए पानी डाल के पकाएंगे। अगर आपको सूखी खानी है रोटी के साथ तो आप ऐसे खा सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो यहाँ पे मेरे 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे खोल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये परवल और आलू की जो सब्जी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है और ये पूरा पक चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आलू भी गल चुका है और परवल भी जो ये देखिए काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी परवल आलू की सब्जी रेडी हो चुकी है। मैंने गार्निश के लिए ऊपर में धनिया पत्ती ऐड करी है। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।